हेलो एवरीवन, सो मैं आज बताने जा रही हूँ स्क्रीन फ्लोज के पार्ट्स इम्प्रूव द लुक एंड फील ऑफ योर स्क्रीन। और मैंने पिछले वीडियो में ये सारे वीडियोस बता दिए हैं। बिल्ड अ स्क्रीन फ्लो, गिव यूजर अ चॉइस, ऐड मोर ऑप्शन टू योर स्क्रीन, गेट स्टार्टेड विद स्क्रीन फ्लोज। और अब मैं बताने जा रही हूँ इम्प्रूव द लुक एंड फील टू योर स्क्रीन। इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे एंड चैलेंजेस को रीड करेंगे। सो ये जो मैं हाईलाइटेड करूँ उसके बारे में बता रही हूँ। ये चैलेंजेस में ट्रेजेडी एक ये है कि ये एक दूसरे से लिंक है, ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, मतलब अब ये चारों। सो अगर आप इम्प्रूव द लुक एंड फील ऑफ योर स्क्रीन्स करना चाहते हो, सबसे पहले मुझे ऐड मोर ऑप्शन टू योर स्क्रीन्स करना पड़ेगा। सो वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सो इसलिए मैं लॉन्च करूंगी। सेटअप में जाऊंगी, फ्लोज टाइप करूंगी, उसके बाद मैं चैलेंजेस को रीड करूंगी। सो चैलेंजेस में है कि न्यू बॉट ऑफ फ्लो में हमें न्यू बॉट ऑफ फ्लो ओपन करना है, और ऑफ फील्ड स्क्रीन में हमें ऐड इनपुट वैलिडेशन टू द एस्टिमेशन क्लोज डेट कंपोनेंट। तो हम देखेंगे इसमें ऐड ऑन करना है। सो सबसे पहले न्यू बॉट ऑफ ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरीके का हमारा फ्लो दिखेगा, और उसके बाद क्या करना है, ऑफ फील्ड स्क्रीन में हमें इनपुट वैलिडेशन टू द एस्टिमेशन क्लोज डेट कंपोनेंट, इस वाले जो मैं हाईलाइटेड कर उसके बारे में बता रही हूँ। तो ऑफ फील्ड स्क्रीन आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे बोल रहा है ऑफ फील्ड स्क्रीन जो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, ऑफ फील्ड स्क्रीन। सो ऑफ फील्ड स्क्रीन यहाँ पे है, सो इसके मैं ओपन करूँगी, एडिट एलिमेंट करूँगी, और फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि हमें ऐड करना है इनपुट वैलिडेशन किस में, तो एस्टिमेटेड क्लोज डेट, ऐड इनपुट वैलिडेशन टू द एस्टिमेशन क्लोज डेट। तो एस्टिमेशन क्लोज डेट हमारा ये है, सो एस्टिमेशन क्लोज डेट पे क्लिक किया एंड आप यहाँ पे ये कर्सर में देख रहे हो वैलिडेशन इनपुट, सो वैलिडेशन इनपुट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद क्लिक करने के बाद में एरर मैसेज हमें कॉपी करना है, यू कांट बैक डेट एंड अपॉर्चुनिटी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूलाज कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे फॉर्मूलाज। उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद में ऐड करना है डिस्प्ले टेक्स्ट कंपोनेंट इमीडिएटली किसके नीचे, तो नेक्स्ट स्टेप्स कंपोनेंट के नीचे हमें क्या करना है, डिस्प्ले टेक्स्ट कंपोनेंट हमें इमीडिएटली ऐड करना है नेक्स्ट स्टेप्स कंपोनेंट के नीचे। सो ये हमारे ऑफ फील्ड में ही काम हो रहा है, तो ऑफ फील्ड में एडिट एलिमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप्स के नीचे में हमें, इसके नीचे में हमें इमीडिएटली ऐड करना है डिस्प्ले कंपोनेंट। सो कंपोनेंट डिस्प्ले, डिस्प्ले टेक्स्ट कंपोनेंट है, सो डिस्प्ले टेक्स्ट कंपोनेंट ऐड करना है। सो यहाँ पे ये डिस्प्ले टेक्स्ट कंपोनेंट आया, तो हम यहाँ पे नेम के ऊपर ड्रैग कर देंगे। सो आप देख रहे हो नेक्स्ट स्टेप्स के जस्ट इमीडिएट है डिस्प्ले टेक्स्ट कंपोनेंट, इसे ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे। फिर इसे एपीआई नेम देंगे नेक्स्ट स्टेप वार्निंग, उसके बाद में टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो सेट करना है नेक्स्ट स्टेप वार्निंग विजिबिलिटी, नेक्स्ट स्टेप वार्निंग कंपोनेंट का विजिबिलिटी
यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी है। सो यहाँ पर देख रहे होगे कि डिस्प्ले कब कंपोनेंट डिस्प्ले कब करना है कंपोनेंट को। सो जब ये हमारा ऑल कंडीशन आर मेट होगा तब डिस्प्ले होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑल कंडीशन आर मेट ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे होगे रिसोर्स में नेक्स्ट स्टेप्स है, ऑपरेटर हमारा इज नल है एंड वैल्यू ग्लोबल कॉन्स्टेंट ट्रू है। तो रिसोर्सेज नेक्स्ट स्टेप्स, रिसोर्सेज नेक्स्ट स्टेप्स है, नेक्स्ट स्टेप्स इज नल है हमारा ऑपरेटर एंड वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा ग्लोबल कॉन्स्टेंट ट्रू है। तो वैल्यू ग्लोबल कॉन्स्टेंट ट्रू एंड डन। सो हमारा इस तरीके से कुछ रिक्वायरमेंट आ जाएगा, इस तरीके से देखिएगा सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी, ऑल कंडीशन आर मेट, नेक्स्ट स्टेप्स इज नल एंड उसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप सेव करना है एंड एक्टिवेट कर देना है फ्लो को। इसको डन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लो बन जाएगा। देख रहे होगे स्टार्ट ऑफ फील्ड गेट कॉन्टैक्ट सेट कॉन्टैक्ट क्रिएट ऑफ एंड एंड उसके बाद में सेव करना है, इसके बाद में एक्टिवेट कर देना है एंड मेरा लास्ट वन हो गया। ये पूरे चैलेंजेस हमने कर लिए हैं, इसके बाद में वेरीफाई करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं कि कैसे कंपोनेंट को डिस्प्ले टेक्स्ट में ऐड करना है, कैसे रिसोर्स टाइप ऑपरेटर सेलेक्ट करने होते हैं जब क्राइटेरिया मीट होती है। तो थैंक यू एवरीवन।